जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मार्शल सोल एम्पायर की सारे सोल मास्टर अपनी सोल फ्रम को एक्टिवेट करके युद्ध के लिए रेडी हुए थे। तो आज की एपिसोड की शुरुआत में मार्शल सोल एम्पायर और टियांडो एम्पायर की आर्मी को युद्ध की तैयारी करते हुए देखते हैं, और साथ ही हम यहाँ पर सभी सोल्जर को जोश में देख पाते हैं। यह सभी अपनी अपानिया को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी तक देने के लिए तैयार होते हैं, और सभी जनरल अपनी अपनी आर्मी ट्रूप्स को युद्ध के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ डोल डगरे के साथ वॉर स्टार्ट हो जाती है, और टैंक्शन बताता है, जैसा कि मैंने अपनी प्लानिंग की थी, हुआन एम्पायर की मेन कैलवरी फ्रंट लाइन्स पर होगी और वो एलिफेंट आर्मी के साथ मिलकर अटैक करेगी। उसके साथ विंडस्वॉर ट्राइब भी होगा जो उन सभी के साथ मिलकर अटैक करेगा, जिसकी वजह से दोनों की अटैक कंबाइन हो जाएंगी और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। अगर हम अपनी सोल्जर को सीधी डायरेक्शन में उनके और भेजेंगे तो उन्हें वो बड़े ही हरा देंगे, जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, पहले हम एडवांस में कुछ स्मॉल आर्मी को भेजेंगे। तो मार्शल जीलांग कहते हैं, हमें अपना मेन गोल फ्रंट लाइन नहीं बनाना चाहिए, और वो बताने लगते हैं, हमें अपने आर्मी को आगे बेचकर दो हिस्सों में बांट देंगे, जैसे कि वो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहां मार्शल जीलांग के कहे अनुसार उनकी आर्मी दो भागों में बट जाते हैं और अटैक करने आगे बढ़ते हैं, जो देखकर एलिफेंट क्लैन की चीफ कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, यह सब क्या हो रहा है, यह सोल्जर दो हिस्सों में क्यों बांट रहे हैं, यह सभी लोग बहुत चालाक इसे युद्ध लड़ रहे हैं। इसके बाद टियांडो एम्पायर के सोल्जर एलिफेंट क्लैन पर अटैक करने लगते हैं और यहाँ जबरदस्त फाइट शुरू हो जाते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम ग्रैंड मास्टर और बबीडोंग का आमना सामना का इल्यूजनरी सीन देखते हैं, जो हमें समझाने के लिए दिखाया गया है कि दुश्मन किस तरह से जंग में अपना रोल निभाते हैं। और वही बबीडोंग ग्रैंड मास्टर और अपने बचपन के बारे में सोच रही होती है और उसे भी थोड़ा अंदाजा भी होता है ग्रैंड मास्टर अपनी आगे की जाल कैसे चलेगा। और फिर बबीडोंग सोचती है, मैंने इतनी बड़ी सेना को इतनी कम समय में इतना अच्छे ट्रेन किया है, अब तो जीत मेरी ही होगी, टेंशन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहने के साथ टियांडो आर्मी के बहुत सारे तीरों से मार्शल सोल एम्पायर के सोल्जर्स पर अटैक होता है, पर मार्शल एम्पायर के सोल्जर्स एक साथ मिलकर उन्हें अपनी सील्ड से रखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर मार्शल जीलांग कहते हैं, हमें मार्शल सोल एम्पायर को कम समझना नहीं चाहिए, हम अभी तक हुआन एम्पायर के मेन गोल को नहीं समझ सके हैं, उनका मेन गोल अभी फाइट करना नहीं है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, बबीडोंग ने फ्रंट लाइन पर दो क्लैन को रखेगी और उन्हें कमांड देगी और वो बैटल फील्ड में आ जाएंगी, और उसने पहले ही अपनी पहली लाइन में कुछ और सोल्जर और दूसरी लाइन में एलिफेंट क्लैन को डिफेंस करने के लिए रखा हुआ है, और उस तरह इनका डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ मजबूत हो जाएगा। इसके बाद बबीडोंग कहती है, इतने बड़े आर्मी को ओल्ड बैक करके फ्रंट लाइन पर रिलीज करना और वहाँ मेन डिलीवरी के बिना किसी हेल्प के बिना फाइट कर सकती है, इसी समय में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद बबीडोंग दो क्लैन के चीफ को आगे बढ़कर अटैक करने के लिए कहते हैं, जिस पर यह दोनों क्लैन के लीडर टियांडो आर्मी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें देखकर टैंगशन तुरंत टैंग आर्मी को फर्स्ट लाइन में खड़ा होने का असेंबल देता है। यह ऑर्डर सुनते ही टियांडो आर्मी पीछे हटने लगती है और उनकी जगह लेने के लिए टांग आर्मी अपनी क्रॉसबो के साथ तैयार हो जाते हैं और ओल्ड बर्ड पर बैठकर उस लाइन पर आ जाते हैं। और फिर एम्परर सुबैंग टैंक्शन से पूछते हैं, क्या क्रॉसबो सच में हमारे एनिमी को हट कर पाएगा? तो टैंक्शन बताता है, यह क्रॉसबो लेवल 40 की नीचे वाले मास्टर को बड़े ही आसानी से हट करने में सक्षम है। इसके बाद हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहां टैंग आर्मी क्रॉसबो से मार्शल एम्पायर पर अटैक कर देते हैं और इनकी क्रॉसबो की अटैक को मार्शल आर्मी रोक नहीं पाते हैं और सोल्जर्स मरने लगती है, जिन्हें देखकर स्नैक मास्टर बबीडोंग से कहता है, एम्परर जैसा कि अपने अनुमान लगाया था, क्रॉसबो एक मिस्टीरियस वेपन की जैसा है, इसने हमें सोल हिटिंग के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। जिस पर बबीडोंग कहते हैं, यह वही चीज यूज कर रहे हैं, और कहते हैं इसे एक पावरफुल ग्रैंड सोल मास्टर रोक लेगा और यह काम एलिफेंट क्लैन के चीफ कर लेगा। इसके बाद हम एलिफेंट क्लैन के चीफ को देखते हैं,
जो अपनी तरफ क्रॉसबो के अटैक आता देखकर तुरंत अपनी आर्मी को डिफेंसिव परमिशन को बनाने के लिए कहता है, जिसे वो सभी अपने सामने एक पावरफुल सील्ड बना देते हैं, जिसको क्रॉसबो की अटैक तोड़ नहीं पाता है। यह देखकर एलिफेंट क्लैन के चीफ बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने आर्मी को आगे बढ़कर सबको खत्म करने के लिए कहता है, जो देखकर मार्शल जिलांग अपने ट्रूप्स को बैटल के लिए तैयार होने के लिए कहता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।